राहुल गांधी आज संसद पहुंचे और इस दौरान इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बताया गया है। इसके साथ ही एनसीपी नेताओं और कांग्रेस नेताओं का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। सत्ता स्थापना को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, उस पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। निश्चित रूप से उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। 165 का संख्या बल हमारे साथ है। जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो हम चाहते हैं। फ्लोर पे सरकार को हम प्रास करेंगे और हमने राज्यपाल महोदय के पास तीनों दलों के समर्थन की चिट्ठी दे दी है। हमें डर लगता है कि सत्ताधारी जो आज हैं, फ्लोर पे हारने के बाद कहीं राष्ट्रपति शासन फिर ना लगा दें, इसलिए हमने राज्यपाल महोदय के पास शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों की चिट्ठी दे दी है। 160 से अधिक विधायकों के दस्तखत हैं। 165 विधायकों का संख्या बल हमारे पास है। हम कल 10:30 बजे तक इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट हो, ताकि हम पटल पर सरकार को हरा पाएं। आज महाराष्ट्र में एक नाजायज सरकार और एक नाजायज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये साफ है, जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा कि मेरे पास, मेरे हाथ में तीनों दलों के, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के 154 विधायकों के अलग अलग एफिडेविट्स है, साइंड एफिडेविट है कि हम एक साझा सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। एक और साफ बात है कि कुछ विधायकों ने, एनसीपी के कुछ विधायकों ने दोनों जगह साइन की है। पहले जो सिग्नेचर है वो गलती से उनकी अनुमति के बिना दिए गए हैं और अब उन्होंने हमें अपने खुद के इंडिविजुअल एफिडेविट्स दिए हैं। एक इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है कि असलियत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की ओर से स्पष्ट तौर से हमने फिर दोहराया कि महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है और जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है। इसलिए अनुरोध किया गया उच्चतम न्यायालय को हमारे पक्ष की ओर से कि एक फ्लोर टेस्ट यानी जनमत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट फौरी तौर से ऑर्डर किया जाए, ताकि ये साबित हो जाए कि बहुमत महाराष्ट्र के विकास के गठबंधन, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन के पास है।